नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि 4 जून यानी कि जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा उस दिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस जो है नतीजे आने के बाद क्या करेगी। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 4 जून को एनडीए की जीत निश्चित है और उसी दिन राहुल गांधी की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष देना शुरू कर देगी। अमित शाह ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यह समझने की जरूरत है कि इन भाई बहनों यानी कि प्रियंका और राहुल को दोषी नहीं ठहराया जाएगा बल्कि नौकरी आपकी खतरे में होगी। बता दें, दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के लिए दोषी ठहराया जाएगा, इसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि 4 जून को राहुल बाबा की पार्टी 40 भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश बाबू 4 भी नहीं पार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सुनिए अमित शाह का यह बयान। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है, जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। भाइयों बहनों, मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा बल्कि विपक्ष पर भी वो जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए। बता दें, रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है जिसमें 5 चरण में पीएम मोदी 310 सीटें पार कर चुके हैं जबकि 6ठा चरण हो चुका है, 7वां होने वाला है जिसमें लोगों को 400 पार कराना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घमंडिया गठबंधन झूठ के आधार पर जीने वाले लोग हैं। इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी ये जीत गए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का आरक्षण छीन कर ये मुसलमानों को दे देने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ये इंडिया अलायंस ने कर्नाटका और हैदराबाद में जो किया बंगाल में भी वही किया था लेकिन बंगाल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि मुसलमानों का आरक्षण संविधान के अनुरूप नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस वाले अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं जिसका सीधा खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ता है।
ये झूठ के आधार पर जीने वाले लोग, मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे। कुशीनगर वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, गलती से भी उनको जिताया तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और मैं डराने नहीं आया, कर्नाटक में उन्होंने ये किया है, हैदराबाद में ये किया है, बंगाल में ये किया था, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं, ना हम ऐसा होने देंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा। आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी यानी कि 7वें चरण का चुनाव होना है, जिसके बाद 4 जून को नतीजे सभी के सामने आएंगे। और इन्हीं नतीजों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा हमला बोल दिया है कांग्रेस पार्टी पे, कि कैसे हार के बाद जो ठिकरा है वो ईवीएम पर फोड़ा जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ा जाएगा, भाई बहनों पर नहीं फोड़ा जाएगा। यहाँ पर भाई बहन से सीधा ताल्लुक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से है, जो कि लगातार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि अब कांग्रेस हारती है तो इसका जो जिम्मेदारी है, इसकी जो ठिकरा है वो ईवीएम पर ही फोड़ा जाएगा। आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यही चीजें देखने मिली थी और ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया गया था। हालांकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो राहुल गांधी थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और वो कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर नहीं आए। हालांकि वर्तमान की बात करें तो वो महज एक सांसद हैं वायनाड से, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। अगर हम उनके जो घोषणा पत्र होते हैं उसकी बात करें, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं उसकी बात करें, तो वहां पर राहुल गांधी का चेहरा ही पहले नजर आता है, जिसको लेकर के भी कई सारे लोगों के जहन में सवाल उठे कि जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो बार बार राहुल गांधी को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, क्योंकि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, यहां पर वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी में किसी बड़े औहदे पे है। लेकिन बात अगर हम 4 जून को करें तो 4 जून को नतीजे आएंगे और इसको लेकर के पार्टियां अपना अपना दावा पेश करती हुई नजर आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ये कह रहे हैं कि जीत उनकी होगी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर दावा इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सरकार उनकी बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने वाली। तो खैर, 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब इन बातों पर मुहर लग जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो केंद्र पे सत्ता काबिज करने जा रही है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें या फिर सट्टा बाजार की बात करें या फिर कई सारे बड़े चुनावी रणनीतिकार की बात करें, तो उनका यही कहना है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार आएंगे। हालांकि अगर हम 400 सीटों को लेकर के आंकलन करें तो बहुत सारे ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं, एग्जिट पोल है, जो कि ये कह रहे हैं कि भले 400 का आंकड़ा पार नहीं होगा, लेकिन बहुमत का आंकड़ा एनडीए जरूर क्रॉस करेगी और इसी बहुमत के आंकड़े के साथ तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार वापसी करने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।